हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रपिताज किचन। आज का हमारा रेसिपी है चिकन चीज़ी समोसा। आज का हमारा रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चिकन 500 ग्राम, ये मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था। बॉईल करते वक्त इसमें काला मिरी पाउडर, हल्दी, नमक डाल के बॉईल किया है और इसको हाथ से मैश नहीं किया है, ऐसे स्ट्रिप जैसा निकाला है इसको। वो 500 ग्राम मोजरेला चीज़ वो 1 कप लिया है और पत्ता गोभी, एक आधा पत्ता गोभी मैंने कट करके लंबा लंबा कट करके रख दिया है और एक कांदा स्लाइस किया है और एक गाजर उसको भी ग्रेट करके रख दिया है, शिमला मिर्ची लंबा लंबा कट किया वो भी एक शिमला मिर्ची लिया है, 1 कप स्प्रिंग ऑनियन चॉप किया है, ऑयल 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टीस्पून, सिजुअन सॉस 2 टीस्पून, चिल्ली सॉस 2 टीस्पून, चिल्ली फ्लेक्स 1 टीस्पून, काला मिरी पाउडर 5 हरी मिर्ची मैंने चॉप किया है और 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। हमें एक तवा लेना है, उसको गरम करने के लिए रख दिया है मैंने, गरम हो चुका है। अभी इसमें 3 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें 1 कांदा स्लाइस किया ना वो डाल रही हूँ। फुल गैस पर रखना है, फुल गैस पे कांदे को मिक्स करना है। इसका कांदे को फ्राई करके ब्राउन कलर नहीं करना है, थोड़ा छोटे करेगा तो बस हो गया। कांदे को मिक्स करना है अच्छे से, ब्राउन कलर नहीं करना है, थोड़ा कलर चेंज हो गया तो बस हो गया। अब इसमें अदरक लहसुन पेस्ट वो डाल दी, इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें पत्ता गोभी वो भी डाल दी, इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। बाकी सब ज़्यादा पकना नहीं है, क्रंची रहना चाहिए। इसमें ग्रेट किया ना गाजर वो भी डाल दी, ये थोड़ा मिक्स होने के बाद शिमला मिर्ची लंबा कट किया ना वो भी डाल दी। अब इसमें नमक डाल दी स्वाद अनुसार, पहले चिकन बॉईल करते टाइम भी नमक डाले थे तो संभाल के डालना है नमक। अब इसमें हरी मिर्ची चॉप किया ना वो डाल दी, चिली फ्लेक्स, चिली सॉस, सिजुअन सॉस, सोया सॉस और काला मिरी पाउडर, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी इसमें चिकन को डाल दें। ये टाइम पे अगर नमक कम नहीं है तो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, अगर स्पाइसी कम लग रहा है वो भी डाल सकते हो। क्या हमारा चिकन सब मिक्स हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर वो भी डाल रही हूँ, लास्ट उसमें स्प्रिंग ऑनियन चॉप किया ना वो भी डाल रही हूँ। देखिए हमारा समोसे का फिलिंग पूरा बन के रेडी हो चुका है,
अभी गैस बंद करके इसको टेंडर होने तक वेट कर देते हैं, उसके बाद चीज़ डाल देते हैं उसमें। देखिए हमारा ये फिलिंग सब टेंडर हो गया है, अभी इसमें मोजरेला चीज़ डाल रही हूँ। अगर आपके पास मोजरेला चीज़ नहीं है तो सादा चीज़ भी डाल सकते हैं, नहीं डालेगा तो भी चलेगा, चीज़ डालेगा तो बच्चे लोग को सब बहुत पसंद आता है, इसके लिए मैं डाल रही हूँ। अब इसका फिलिंग कैसे बनाना है वो बताती हूँ मैं। इसके लिए मैंने शीट बना के रख दिया है पहले से, इसका वीडियो मैंने पहले स्प्रिंग रोल का इसमें डाल दिया था, वो जो नहीं देखा है आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें कैसे शीट बनाना है मैं डाल दिया है। अभी ये जो शीट को आधा करके कट करना है, एक शीट का आधा करना है, देखिए वैसे सारे शीट्स को कट करना है। ये मैदा है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के पानी डाल के ऐसा करके रख देना है, साइड पे चिपकाने के लिए चाहिए। अभी ये जो कट किए वाला शीट है इसका तीनों साइड ये मैदा लगाना है। इसका तीनों साइड मैंने ये लगा दिया है मैदे का लिक्विड। अब इसमें मसाला रखते, एक चम्मच मसाला रख रही हूँ। अभी ये जो कोना है इसको अच्छे से इधर फोल्ड करना है, फिर इसको तीनों साइड चिपकाना है, और उसके बाद ये जो कोने को ये साइड पे लेके आना है, फिर ये तीनों साइड अच्छे से हाथ से चिपका के देना है। देखिए हमारा समोसा रेडी हो चुका है, इस टाइप में सारा समोसा बनाने का। देखिए हमारा समोसा रेडी हो चुका है, अभी मैं इसको फ्राई करके बताती हूँ। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अभी समोसे को डाल देते फुल गैस पे। इसे दोनों साइड पलटी करके इसको पकाना है, फुल गैस पे रख सकते हैं। दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। देखिए हमारा समोसा रेडी हो चुका है, दोनों साइड गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको तेल में से निकाल देते हैं। देखिए हमारा पूरा समोसा बनके रेडी हो गया है, ये बहुत क्रिस्प बनता है, ये क्रिस्पी समोसा है, बहुत चीज़ी क्रिस्पी समोसा रेडी हो गया है हमारा, ये बहुत टेस्टी भी है। अब बच्चे लोग को सब बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप सब। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और प्रपिताज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।